भारत एक धार्मिक एवं सामाजिक संस्कृतियों वाला देश है। इस देश की धरती पर कई बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए। पूरी दुनिया में किसी अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक सोने का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक कार्य हो या सामाजिक पर्व, सभी में सोना हमारे देश में बहुयात से इस्तेमाल किया जाता है। शायद इतना सोना का इस्तेमाल किसी अन्य देश में किया जाता हो। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और लोग सोने का मुकुट भी पहनते थे। मंदिरों में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में लोग मंदिरों में सोना रखते थे। प्राचीन भारत में राजा महाराजा के समय उनकी पत्नियां बहुत से गहने पहनती थीं। राजा लोग बाहरी आक्रमणकारियों के कारण सोने चांदी को रहस्यमय तरीके से छिपा देते थे, लेकिन समय के साथ साथ सोना चांदी कुछ तो विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया, कुछ का पता नहीं कहां चला गया। विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में पता था कि यहां पर सोना चांदी काफ़ी मात्रा में है, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने को लूटकर अपने देश में पहुंचा दिया। कुछ आक्रमणकारियों ने तो यहां की सत्ता भी स्थापित कर सैकड़ों साल तक यहां पर शासन किया और यहां के एक एक राजाओं को हरा कर अपने अधिकार में कर लिया और यहां के बहुत बेमिसाल खजाने को अपना अधिकार जमा लिया। बहुत से भारतीय राजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को इधर उधर छिपा दिया ताकि ये किसी के हाथ न लगे। आज हम इसी वीडियो में भारत के ऐसे ही 8 खजाने की बात करेंगे जिनका राज उन्हीं के राजाओं के मौत के साथ ज़मीन में दफन हो गया। नंबर 1, चार मीनार गुफा हैदराबाद। चार कमान घासी बाजार हैदराबाद तेलंगाना में एक गुफा है जो चार मीनार की गोलकुंडा से जोड़ती है। यह गुफा सुल्तानपुर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। यह गुफा अंग्रेजों के आक्रमण के समय राज परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इसी गुफा में किसी हिस्से में खजाना दबा हुआ है। नंबर 2, सोन भंडार गुफा बिहार। बिहार राज्य के राजवीर शहर के पास पहाड़ों में एक गुफा है जिसमें सोन भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में हजारों टन सोना छिपा हुआ है। इस सोने को हासिल करने के लिए बहुत से राजाओं ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी कई बार कोशिश की लेकिन वो भी असफल रहे। अंत में इस गुफा के द्वार को खोलने के लिए तोपों से गोले चलाए गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुफा के द्वार पर आज भी तोपों के निशान मौजूद हैं। दरअसल इस गुफा को सम्राट बिंबसार ने बनवाया था और इसी गुफा में अपने खजाने को छुपा दिया था। नंबर 3, पद्मनाथ स्वामी मंदिर का खजाना केरल। केरल में स्थित ये विशाल मंदिर उस समय चर्चा में पूरी दुनिया में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से इसके तहखाने में बने 6 कमरों में 5 को खोला गया था। इन कमरों में से इतना खजाना निकाला गया था जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। उस समय इस खजाने की कीमत $22 अरब आकी गई थी लेकिन 6ठे कमरे को खोलने पर अंदर एक और लोहे का विशाल दरवाज़ा दिखा जिसे दरवाजे पर सांपों की आकृति बनी हुई थी। फिर उसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। इस कमरे में क्या है अभी तक ये रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि इस कमरे में इतनी दौलत हो सकती है जिसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। नंबर 4, जयगढ़ किले का खजाना। जयगढ़ के राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि एक बार अकबर राजा मान सिंह को अफगान पर चढ़ाई करने के लिए सेना सहित भेजा था। राजा मान सिंह ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की और वहां बेशुमार दौलत प्राप्त की, लेकिन यह खजाना मान सिंह ने अकबर को नहीं दिया बल्कि जयगढ़ किले में कहीं छिपा दिया था। इंदिरा गांधी के समय आपातकालीन के दौरान इस किले और आसपास इलाके में खजाने को ढूंढने की कोशिश की जा चुकी है। नंबर 5, कृष्णा नदी का खजाना। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र हीरों के लिए जाना जाता है। भारत में बेशकीमती हीरा कोहिनूर इसी के पास से प्राप्त किया गया था। गोलकुंडा साम्राज्य इसी नदी के समीप स्थित है। माना जाता है कि आज भी इस नदी के तट पर अनगिनत बेशकीमती हीरे छिपे हुए हैं। नंबर 6, जहांगीर का खजाना। भारत के इतिहास में मुगलों के उत्थान और पतन से भला कौन परिचित नहीं होगा। बाबर से लेकर औरंगजेब तक भारत की सरजमी पर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। इन्हीं मुगलों में से एक सम्राट जहांगीर थे। जहांगीर के पास बेशुमार दौलत थी। कहा जाता है कि जहांगीर राजस्थान के अलवर किले में काफ़ी समय तक रहा था
और उसी दौरान यहीं पर किसी गुप्त जगह पर अपना खजाना छिपा दिया था। आज भी लोगों का विश्वास है कि यह खजाना अलवर में कहीं दबा पड़ा हुआ है। नंबर 7, नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ईरान से आया हुआ एक आक्रांता था जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। वह अपने 50,000 सैनिकों को लेकर दिल्ली पर आया था और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लूटपाट की थी और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहासकारों के अनुसार ईरान वापस जाते समय खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में छूट गया जो आज कहीं दबा पड़ा है। नंबर 8, जहाज़ का खजाना मद्रास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा जहाज था। इस जहाज के द्वारा 14,000 सोने की सल्लियाँ, 19 संदूक, इसके अंदर सोना जेवरात भरे हुए थे और 26,00,000 सोने के सिक्के थे। ये जहाज़ चेन्नई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ था, लेकिन यह 1782 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 700 मील दूर समुद्र में डूब गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि वह खजाना आज भी समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा खोजने की बहुत सी कोशिश की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है आज भी यह खजाना समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई राय आपकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।